नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद जनपद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र के गांव केसपुरा एवं ककरारा के बीच आज एक वृद्ध का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। शव को जब ग्रामीणों ने देखा तो मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना थाना खैरगढ़ पुलिस को दे दी। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव की शिनाख्त थाना एका के गांव गहेरी निवासी अनोखेलाल के रूप में की। इधर अनोखेलाल के परिजनों को जब हत्या की खबर मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। खैरगढ़ थाना पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की तहरीर पर अज्ञात में हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों ने बताया कि अनोखेलाल खेतों पर जानवरों की रखवाली करने गए थे। मृतक अनोखेलाल 65 वर्ष पुत्र गंगा सिंह थाना एका के गाँव गहेरी निवासी थे। मृतक मंगलवार की शाम अपने खेतों पर जानवरों की रखवाली करने गए थे। देर शाम तक वह नहीं लौटे तो परिजनों ने खेत पर ही रुकने की सोचा। आज अनोखेलाल के परिजनों का थाना खैरगढ़ पुलिस ने मृत होने की सूचना दी। पुलिस के मुतेपास अनोखेलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको पहले ही पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया था। पुलिस ने फोटो के आधार पर मृतक की शिनाख्त की। इधर घटना के बाद से ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। इधर परिजनों ने कहा कि वह देर शाम खेतों पर जानवरों की रखवाली करने की कहकर गए थे। आज उनके मृत होने की सूचना मिली। फिलहाल इस मामले में मृतक के चचेरे भाई की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में थाना पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाएगा। तो देखते रहिए C20 न्यूज के साथ निकुंज यादव की एक खास रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह गहरी है। मेरे भाई बरौली पर बरौली के अस्पताल पर जानकारी मिली तो हम थाने में आ गए। सर, आपने एक तहरीर दी है, वो किसके खिलाफ दी है? वो अज्ञात के, अभी कोई जानकारी नहीं है। आपको सूचना कब मिली थी? सुबह 9 बजे के, 9:30 बजे के। तो आपके भाई का नाम क्या? अनोखेलाल। तो ये घर से कब से गायब थे? कल शाम को चले आए हर को गाय मारने के लिए, गाय भैंस। उसके बाद घर नहीं पहुँचे? उसके बाद वो घर नहीं।